एक गोश्त खा खा के ना टेस्ट खराब हो जाएगा। तो ना इस देश में है जी सालन थोड़ा सा, तो इस वजह से इस तरह जो है मैं खा के जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर का खाना बनाते हैं। आज बड़े बेटे की फरमाइश पे खाना बना रहे हैं, तो आप सब बहन भी उन्हें साथ रहना है। बड़ा बेटा जो है सामान लेके आ गया है, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तो सामान इधर ही खड़ा है, तो मैंने भी नहीं उतारा। पड़ेंगे जो है ना शाह पर। तो जी सालन भी बड़े बेटे की फरमाइश का बनाएंगे, और जी मीठी डिश भी वो भी बड़े बेटे की फरमाइश पे बनाएंगे। हाँ जी, तो ये जो है ना साबुन वगैरह और सर्फ वगैरह हैं, ये जो है ना उधर रख देती हूँ। तो ये जो है ना आज खाने में बनाएंगे हम करेले सूजी। तो हम बनाएंगे मखंडी हलवा। सबसे पहले ना कढ़ाई को अच्छे तरीके से धो लेते हैं। तो कढ़ाई को मैंने धो के रखती हूँ, लेकिन मैंने सालन बनाया था ना, मैंने कहा एक बार दोबारा से ना इसको अच्छे तरीके से धो। तो जी सूजी को अच्छे तरीके से ना छान लेती हूँ। आधा किलो जी हमारी सूजी थी, तो एक गिलास आधा किलो मतलब ये दूध था। तो अभी जो है ना इसको भिगो के ना रख देती हूँ 20 मिनट के लिए। आधा किलो हमारी चीनी है और एक गिलास पानी का। सारा गाढ़ा शीरा बना लेते हैं। हमारी पिघल चुकी है, अभी बीच में डालते हैं घी। हम लोगों ने ना ईद पे मीठी चीज कुछ भी नहीं बनाया, ये हलवा बना के रख देती हूँ, ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद जो है ना खाना बनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खीरा जो है बिल्कुल काढ़ा काढ़ा तैयार हो चुका है। ये हैं जी 3 लाचियाँ, तो ये भी मैंने डाल दी हैं। लेकिन दूध आएगी तो अभी जो है ना ये जो मैंने सूजी भिगो के रखी थी ना दूध में, अभी ये भी गाढ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अभी जी मेरे पास बड़ा बेटा भी पहुँच चुका है, ये अभी बादाम काट रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत होंगे। दोस्तों आज मैंने अम्मी से फरमाइश की थी, मैंने सूजी का हलवा खाना है, और अम्मी जो है मेरी वो फरमाइश पूरी करें, और अब मैं स्पेशल इनके पास आया बैठा हूँ भाई, कब हलवा बनेगा और कब मैं खाऊँगा। अभी तैयार हो जाएगा, आधा घंटा लगेगा, इस पर अभी काफ़ी मेहनत करनी है। तो करेले ही ये लेके आया कि गोश्त खा खा के ना हम बस तंग आ गए हैं। हाँ जी, हमें जो है सब्जी भी जरूर खानी चाहिए, गोश्त खा खा के ना टेस्ट खराब हो जाएगा। हमें ये बादाम भी डाल दें, इनको भूलना नहीं है आपने। ये बात में डाल देना, चलो कोई बात नहीं जी। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अभी बनेगा तो फिर चेक करके मैं आपको बताऊंगा कैसा बनाएगा। इसने इतना जो है ना गर्मी में, इतनी गर्मी है, मैं आप लोगों क्या बताऊँ, मुझे ना पसीना आ गया है। बेटे के लिए मेहनत कर रहा हूँ आज जी। मेरे छोटे बेटे जो है वो है बुखार, तो वो सोया हुआ है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मखंडी हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो जी पंखा भी हमारा चल रहा है, मैंने बंद नहीं किया, सुबह बेटा सो रहा है। तो आज जी मेरे बेटे को है बुखार, तो आप सब बहन भी उन्हें दुआ करनी है जो है बेटे के लिए इसका बुखार जल्दी से उतर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो फिर फटाफट जो है ना करेले काट लेती हूँ। अभी जी सालन बना रही हूँ, करेले जो है ना सबसे पहले फ्राई कर लूँगी, ये इस तरह ना कड़वे होते हैं, इस कड़वापन जो है ना ख़त्म हो जाएगा फ्राई करने से। तो हलवा जो है मैंने प्लेट में निकाल दिया, मैंने कहा इस तरह ना ये एक तो ठंडा भी हो जाएगा, साथ साथ हमारी कढ़ाई भी धुल जाएगी। कढ़ाई को मैंने कुर्रे में रख दिए। भाई खड़ी थी धूप पे, ये धूप से ना टूट जाती है, तो मैंने अभी देखा मेरा ध्यान भी अभी पड़ा है। ये ना
पर्दा जो है ना नीचे डाल लेती हूँ, क्योंकि कमरा गर्म हो जाएगा फिर, बाहर ना हवा चली हुई है गर्म। बहुत ज्यादा धूप है, तंदूरी नहीं जलाती, रोटी जो है ना आज इसी चूल्हे पे तवे पे बनाएंगे। सुबह वाला हमारा आटा जो है ना वो पड़ा है फ्रिज में, तो वो काफी हो जाएगा, तो आज आटा मुझे नहीं गूंथना पड़ा। है ना हमारे करेले फ्राई नहीं हुए, हवा है ना तो सेक लगता नहीं है, तो अभी चीज है ना आप लोगों को बताती हूँ कि काफी घर में क्या जाएंगे। आप जो है ना लाल वाली दराज है वो कहाँ पड़ी है, तो जी मैं भी ये पड़ी है, इसके बीच में बर्तन भी पड़े हैं और राशन वगैरह भी, मतलब सामान वगैरह काफी पड़ा है, तो इस बार भी काफी फायदा हो गया है। ये बाहर तो खराब हो जाती बिल्कुल, जैसे ना वो दूसरी हो गई है। बैठा जी मेरा बड़ा बेटा, ये भी सही तरीके से ना जोड़ लेती हूँ बड़े बेटे के कमरे में ना, ज्यादातर गर्मी ना जाना चाहती हूँ। फिर भी हम लोग तो ये जो वाला पंखा है ना ये जला लेते हैं, कुछ जो है ना हमारा गुजारा हो जाता है, लेकिन ये वाला जो कमरा है ना बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मेरी जो है थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, बुखार भी आया हुआ है, गले में भी दर्द है, और अभी मैं सो के उठा हूँ तो नहाया हूँ, अभी थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ तो कूलर पखे में मैं पानी डाल रहा हूँ, और आज तो बड़े भाई जान की फरमाइश भी पूरी हो रही है। मैंने तो अभी पूछा हूँ तो अमीर जान ने मुझे बताया कि आज हलवा भी पी। अभी जी सालन जो है उधर तैयार हो रहा है, मैंने कहा हम प्याज काटी थी, मैंने कहा इधर पक्का रहेगा, मैं साथ साथ ना ये बर्तन वगैरह खोलूँ, ये इधर ना पूरे में पड़े ना रहे, तो इस तरह अचानक कोई मेहमान आ जाता है, कोई पड़ोस ना आ जाते हैं, क्या कहेंगे कि इनके बर्तन जो है ना पूरे में पड़े हैं, जल्दी से सूख जाएगी ना, इसको समेट के रख दूंगी। फ्रिज काटा है बहुत ज्यादा सख्त है, तो अभी जी इधर जो है ना मुझे पसीना आ रहा है ना, तो हवा आई थी ठंडी ठंडी वाली हवा लग रही थी, वैसे हवा चली हुई है बाहर लेकिन गर्म है। मुझे ना फ्रिज काटा और ज़्यादातर पसंद नहीं होता, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है और ये मेरे जो हाथ है ना ये थक जाते हैं, तो ये जो जगह है ना ये वाली जगह ये दर्द करती है, तो इस वजह से मैं ताज़ा ही आटा गूंथती हूँ, ताज़ा जो है ना रोटी ताज़ी बना लेती हूँ। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह चार रोटियां जो है मैंने तैयार कर ली हैं, तो अभी जो है ना खाना खाते हैं, लेकिन गर्मी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही है ना, ऐसे लग रहा है कि अभी से मैं बेहोश हो चुकी हूँ। ये देखें अभी कमरे में लेके जाते हैं रोटी भी सालन की, तो ना इस देखी में है जी सालन थोड़ा सा, तो इस वजह से इस तरह जो है मैं उठा के जा रही हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम खाना खा रहे हैं, जिस भाई मैंने खाना खाना है वो भी आ सकते हैं हमारे साथ खा सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों मैं हलवा जो है ना टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि कैसा बना है, मुझे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, देखते हैं कैसा बना है। मेरी जो है ख्वाहिश है मैंने पूरी कर दी है हलवे वाली, हलवा बहुत अच्छा बना हुआ है ना, अभी खाना खा लेता हूँ उसके बाद फिर मैं हलवा खाऊंगा। मैं फिलहाल आपको चेक करके बता रहा था कैसे बना, अभी ना ठंडा हो गया है ना इस वजह से, जब ये ठंडा हो जाता है थोड़ा लजीज और बन जाता है लजीज। अब जी जो है भी रोटी खा रहा है ये बाद में खा रहा है ना, आज मेरे बेटे की सेहत ठीक नहीं है ना, अब चुप चुप बैठा है इसमें।